Good morning, dear students. It's EVS time. And we were reading before break chapter number 14, Earth and its neighbors. फिर आपको mind map भी send किया था, PPT हम कर चुके थे. Now we are continuing this chapter. तो एक recap ले लेते हैं small. Earth. Earth is our planet. It's full of beautiful things. जो हमारी Earth है बहुत beautiful इस पर चीजें हैं लाइक ट्रीज बर्ड्स एनिमल्स वी हैव लैंड एयर एंड वाटर क्या है बच्चों हमारे अर्थ पे लैंड है एयर है लेयर ऑफ एयर अराउंड इट इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर है एयर की उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर जो ब्रीदिंग हम लोग करते हैं जो सांस जो गैसेस हमें लगता है हवा चलना ये किसकी वजह से होता है एयर की वजह से और वाटर बॉडीज में आती है पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स और लैंड में हमारा आ रहा है हिल्स वैलीज लेक्स माउंटेन्स तो ये अर्थ वी हैव लैंड एयर वाटर एंड अराउंड अस हाउ डज द अर्थ लुक लाइक द अर्थ इज लुक लाइक अ बॉल किस तरीके से दिखती है हमारी अर्थ एक बॉल की तरह दिखती है फ्लैटन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम टॉप और बॉटम से फ्लैट है और बाकी राउंड शेप की है इट इज नॉट कंप्लीटली राउंड इसको पूरी तरीके से एकदम जो गोल जो सर्कल जो शेप होता है उस तरीके के नहीं है द अर्थ इज बोथ नेचुरल एंड मेन मेड थिंग्स नेचुरल थिंग्स भी है हमारी अर्थ पे और मेन मेड थिंग्स भी नेचुरल थिंग्स में आ गया हमारा लैंड और वाटर ये सारी हिल्स वैलीज प्लेन्स माउंटेन्स पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स ये सब क्या है बच्चों नेचुरल थिंग्स है The surface of the earth is divided into land and water. ये तो layer है air की और जो surface है जो सतह है earth की वो land और water two उसमें part में divided है कुछ तो हिस्सा earth का land है और कुछ जो बहुत ज्यादा हिस्सा जो है water का covered है तो ये different landforms of earth ये मैंने लिखा है यहाँ पे हिल्स वैलीज ये डिफरेंट है प्लेन्स माउंटेन्स पहाड़ प्लेन्स जो जहां रहते हैं समतल मैदान वैलीज गहरी खाइयां हिल्स ये लैंड का पार्ट है और वाटर का पार्ट है पॉन्ड्स लैक रिवर्स ओशंस वेल्स ये सारे क्या है वाटर के पार्ट है और ये क्या है बच्चों नेचुरल थिंग्स है द पार्ट ऑफ द अर्थ covered by water bodies is much larger than the part covered by landforms. Land के comparison में जो water वाला part है earth पे वो larger है वो ज्यादा part water ने cover किया हुआ है इसलिए जब भी space से या satellite से जो pictures आती है हमारे earth की तो वो दूर से कैसी दिखती है blue color की That's why our earth is called blue planet. हमारी earth को blue planet भी कहा जाता है because of the प्रेजेंस ऑफ वाटर दूर से जब पिक्चर्स या सैटेलाइट से जब भी कोई ऐसी पिक्चर भेजता है सैटेलाइट तो उसमें कैसे दिखती है हमारी अर्थ ब्लू कलर की क्यों दिखती है वाटर की वजह से बहुत सारा पानी है अर्थ के सरफेस पे इसलिए ये दूर से ब्लू दिखती है इसलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं है ना तो मैनी लार्ज ओशन सीज कवर द अर्थ द रिवर फ्लोज थ्रू द माउंटेन्स एंड मेक द अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटिफुल द लार्ज ग्रीन एरियाज ऑन द अर्थ That are completely covered with trees are called forest. जो बड़ा एरिया है जिसको ट्रीज ने ढका हुआ लाइक रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कुछ जो फॉरेस्ट है जंगल है उनके नेम है तो ये लार्ज ग्रीन एरिया क्या है फॉरेस्ट एक लार्ज ग्रीन एरिया है दैट इज कवर्ड बाय थिक ट्रीज घने पेड़ों से ढका हुआ लार्ज एरिया जो है वो क्या कहलाता है फॉरेस्ट जंगल कहलाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव इन दीज फॉरेस्ट द अर्थ इज मैंने आपको पहले भी बताया था हमारी जो अर्थ है वो सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर हमारी जो अर्थ है वो एक लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर क्या कहते हैं बच्चों एटमॉस्फेयर तो ये हमने आज जाना कि नेचुरल थिंग्स क्या है और किस टाइप की हमारी अर्थ का शेप है एक और वीडियो मैं आपको सेंड करूंगी यूट्यूब का उसमें भी और आपको पूरा जो इसका डेमोंस्ट्रेशन भी किया हुआ है वो भी देखिएगा ठीक है तो हमारी अर्थ है वो मोस्टली लैंड और वाटर टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है लैंड और वाटर क्या है नेचुरल थिंग्स है तो हमारी अर्थ पे नेचुरल थिंग्स के साथ साथ मैनमेड
थिंग्स भी हैं. लैंड और लैंड में आ रहा है हमारा हिल्स वैलीज प्लेन्स एंड माउंटेन्स, और वाटर में आ रहा है पॉन्ड्स लेक्स एंड रिवर्स. ये सब हैं नेचुरल थिंग्स. और मेन मेड थिंग्स हम आगे पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में, और एटमोसफियर जो लेयर ऑफ एयर है जो हमारी अर्थ को कवर करके रखती है, जिसे हम ब्रीदिंग भी करते हैं, हवाएं चलना, ये सारा काम इस एटमोसफियर से ही होता है. और फॉरेस्ट तो थिकली कवर्ड एन एरिया थिकली कवर्ड विद ट्रीज, जो घने जंगल जिसको कहते हैं, घने पेड़ों से ढका हुआ जो एरिया, और वो कहलाता है फॉरेस्ट. एंड मैनी एनिमल्स लिव इन दिस फॉरेस्ट, बहुत सारे जो एनिमल्स है इन फॉरेस्ट में रहते हैं. तो ये हमने अर्थ के नेचुरल जो पार्ट है उसके बारे में हमने आज सीखा. कल हम मैनमेड जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और फिर हमारे पास जो नेबर्स हैं हमारी अर्थ के, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. मैंने पहले भी आपको बताया था नेबर्स हमारे स्टार, सन, मून, ये सब हमारी अर्थ के नेबर्स हैं, है ना. हाउ सन, व्हाट हैपन टू द सन इन द नाइट, वेयर स्टार्स गो इन डे टाइम, ये भी हमने जाना था पीपीटी में. तो आज इतना इस रीड करिए, इतना जो नेचुरल थिंग्स है वहाँ तक आप चैप्टर रीड करिए. ओके.